की थी? नहीं। नहीं बची? नहीं। ना करो एक मिनट ये 6:13 पे ना एक मैसेज आया आईकम और फिर कॉल आई ना बैक केस उतर गया बैटरी उतर गई मुझे सिम नहीं मिली थी बड़ा चौक में 4-4.5 महीने पहले। अब बंदा है फेज 8 का वो बकर ब्लॉक का उधर ये मेरी दो सिमें थी वो मिसप्लेस हो गई थी एक ये थी और एक मेरी जोंग की थी उधर से सिम आपके पास कहाँ से आ गई एक और ये जोंग और एक और टेडी जोंग ठीक है Assalamualaikum, क्या हाल है वालों खुश आबाद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देख लो जी किधर से व्लॉग बना रही है बस सो गए बैठे थे 2 बजे ठीक है तो नाश्ता वाश्ता तो नहीं किया सीधा दुकान पे आ गए थे ये मलक साहब ने कहीं जाना था शादी पे तो जल्दी आ गए आटा छाटा पीसते तो हमने कहा चलो आज व्लॉग फिर से स्टार्ट करते चेक किए पीछे हमारी दुकान है भैया ने अपनी दुकान के ऊपर ही खड़ी बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है हद से ज़्यादा गर्मी है तो बस अभी जाते हैं नीचे देखते हैं क्या काम शाम हो रहा है आटा छाटा पीस रहे तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन और पार्ट है बड़ी ख़तरनाक है ये देखते हैं जो भी सीन और पार्ट है वो करते हैं और आपको दिखाते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो बेल आइकन को प्रेस कर लो कुछ ना कुछ तो आप भी कर लो सारा कुछ मुझे ही करने चेक करो आप तुम एक और देर तक मिलते घर जाके आपको आपकी इज्जत बच गई थी नहीं बची नहीं। ना करो आपकी इज्जत बच गई थी रात को ठीक है जी अपनी दुकान में बैठे हुए ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सब कुछ सब बच के ठीक है वो तीन पकड़ों के बीच में एक मदद का ठीक है शुक्र है मतलब उसकी जान बच के रास्ते से बच के अपनी दुकान में बैठे हुए और हम मजल की बात है रास्ते तभी को मुझे मतलब चाबी आपको कहाँ से मिली है आपके भाई के ट्रॉलर से मिली है ठीक है चालीस क्वालिटी के बिना चाबी दी और अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के ट्रॉलर से मिली चाबी दी ठीक है बैठे हुए हैं बाबा जी का वेट करते हैं बाबा जी आएंगे घर गए या कुछ सो गए कुछ करें ठीक है ठीक है बाबा जी नाश्ता भी किया और चक्कर आ रही है किसी ने कुछ करते हैं जो किया वो बताएंगे जो ना किया वो भी आपको बताएंगे बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मलक साहब चीज़ें बच गई है A few moments later. आपके भाइयों ने दुकान से आ गए लेकिन ना एक मसला हो गया मसला यूँ हो गया कि मैं कल जो था ना एडिटिंग कर रहा था ठीक है तो आपको पता है यूट्यूब में अपलोडिंग में ज़्यादा टाइम लगते हैं तो मुझे कोई तकरीबन ना 4:30 हो गए मतलब 4 बजे थे मामा उठी मामा ने कहा नमाज़ पढ़ लो ना तो मैं 4:30 हो गया चला गया 4:30 बजे होती है जमात मैंने कहा जमात के साथ नमाज़ पढ़ के तो दुकान की चाबी गुमी हुई थी सीधी सी बात है मैं फिर क्या नाम है वो था दुकान में चला गया मलक साहब लेटे हुए थे भाई मैंने मलक साहब को वापस जाके नमाज़ पढ़ ले तो मलक साहब नमाज़ पढ़ के आए तो मैं वापस घर आया ना तकरीबन 6 बजे आया हूँ तो मैं आके लेटूँ तो मुझे 6:13 पे ना एक मैसेज आया आईकम और फिर कॉल आई ना अब सीन ये है कि मेरी एक सिम है टनी नोट के नाम से जो कि दुकान का नंबर था तो उस पर ना रैंडम्स कॉल बहुत ज़्यादा आती थी ठीक है तो मैंने ना वो सिम बंद रखी हुई थी हाँ उसका व्हाट्सएप मेरे पास था तो कल मुझे रात को मैसेज आया हाई का सुबह 6 बजे 6:13 पे हाई का मैसेज आया फिर कॉल हुई मैंने वो कॉल तो नहीं उठाई मैंने मैसेज किया जी कौन कहते हैं जी आप कौन मैंने कहा आप कौन कहते जी ये नंबर मेरे पास है मैंने कहा अच्छा मैं कहा ये तो सिम मेरी गुमी हुई है तो मैं अब्दुल रफ़ा बात करूँ इस सिम का ऑनर ना तो कहते हैं अच्छा तो कहते हैं आप किधर रहते हैं मैंने कहा मैं बैरिया में रहता हूँ मैंने सिर्फ ये बोला था मैं बैरिया में रहता हूँ कहते जी मैं भी बैरिया टाउन फेज़ 8 में रहता हूँ मैंने कहा अच्छा कहते जी मैं वो बकर ब्लॉक में रहता हूँ मैंने कहा मैं भी वो बकर ब्लॉक में रहता हूँ तो मैंने उसको कहा यार मेरी ये सिम घूमी थी तकरीबन 4-4.5 महीने पहले घूमी थी फवाड़ा चौक पर जो नदीम भाई है ना मलक साहब के जो दोस्त अपमान वाले
मैं उनके पास जा रहा था मलक साहब से काम था, तो मेरी सिम ना फुहारा चौक से ना फ़ोन गिरा था, सैमसंग का फ़ोन था, तो ये जो मेरी स्टाइन और की सिम थी ना मेरे कवर के पीछे थी, तो वो गिरा इतने ज़ोर से फ़ोन था कि पूरा फ़ोन खुल गया था, कवर उतर गया, बैक केस उतर गया, बैटरी उतर गई, मुझे सिम नहीं मिली थी, मैंने सिम बंद भी नहीं करवाई। तो अब वो सिम गिरी थी फुहारा चौक में 4-4.5 महीने पहले। अब बंदा है फेज 8 का, अब वो बकर ब्लॉक का, मैंने फिर उसको कहा कि भाई तुम जो है ना दुकान में सिम भेजो। अब मैंने रात को उसको 2-3 मैसेज किए सुबह, उससे मुझे उनका जवाब नहीं दिया। मैं सुबह से उसको कॉल कर, उसका नंबर बंद जा रहा है, व्हाट्सएप पे कॉल करूँ व्हाट्सएप पे भी नहीं उठा रहा। तो भाई मेरा तो हुआ मैं थोड़ा शॉर्ट, ठीक है जिसको भी बताऊँ तो वो कहते जी सिम क्यों नहीं तुमने बंद करी, मुझे कभी सिम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बंद करने की, क्योंकि वो 1.5-2 साल से तो वैसे पहले बंद थी घर पे, ठीक है पड़ी हुई थी। फिर मैंने पिछले दिनों सिर्फ 5-6 महीने पहले मुझे व्हाट्सएप की ज़रूरत थी, तो मैंने उस पर बस व्हाट्सएप लॉगिन के लिए इसको यूज़ किया था। अभी देखते हैं तला निकला हुआ, जाते हैं जाके पहले सिम निकलवाते हैं, क्योंकि बड़ा औखा काम है ये, ना कि कल कोई मसला हो जाए तो मेरी जो है ना जान बढ़े। बाकी मैं इधर आके पीछे जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डर लगाऊंगा उसकी कन्वर्सेशन का, वो आप देखना, तो बस कन्वर्सेशन आप देखो तो आपका भाई जाके ना सिम लेकर आते हैं, सिम ला कर फ़ोन में एक्टिव करके आपको मिलते हैं। ये मेरी सिम है, ठीक है, मेरा नाम अब्दुल रफ है, मेरे फ़ोन टूटा था इधर ना रनी आपका अला बला करें फवाड़ा चौक उसके पास, तो मेरी सिम गुम हो गई थी, तो मेरा व्हाट्सएप इस नंबर में होने, ठीक है, तो मेरी सिम गुम हो गई थी, मैंने अभी तक सिम नहीं निकलवाई। मेरा ये फ़ोन ना रमज़ान से पहले टूटा था फवाड़ा चौक में, उधर ये मेरी दो सिमें थी वो मिसप्लेस हो गई थी, एक ये थी और एक मेरी जोंग की थी, उधर से सिम आपके पास कहाँ से आ गई? चलो ठीक है, अगर आप अबू बकर ब्लॉक में होते ना तो आपने ये मस्जिद देखी होगी, जब अबू बकर ब्लॉक की मस्जिद है, उधर शॉप नंबर 7 है अटा चक्की ना, आप कल किसी भी टाइम पे ना उधर से हम दे दीजिएगा, ठीक हो गया? आप देखेंगे कि बाय जो फ्लेक्स है ना उस पर भी ये नंबर लिखा हुआ है, तो कल आपको जब भी चक्कर लगे ना उस अटा चक्की पर ना ये सिम दे दीजिएगा, ठीक है? मैंने इसका ना कल आपको जो नंबर निकाला था ना 5-6 नंबर थे इसके, तो एक नंबर में अली लिखा आ रहा था, तो मैंने इसको पूछा अली आपका भाई ऐसे मेरे कल भी तकरीबन 6:24 वाले मैसेज का भी जवाब नहीं दिया, उसके बाद से मैं इसको कॉल करूँ इसका नंबर बन जा रहे ना, तो व्हाट्सएप पे मैंने नहीं की, तो फिर अल्लाह भला करे जो मेरा नंबर है उस पर भी मैंने कॉल किया, वो नंबर भी बन जा रहे ना, तो अभी इसका नंबर लिखना हो तो मैंने पॉइंट का ऑप्शन लगा लिया था। अभी सीन ये कि अभी जाते हैं सिम शम निकलवाते हैं, सिम निकलवा के जनाजा के अंदर एक्टिव करके फिर आपको मिलते हैं, ठीक है? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सिम शम निकल के बड़ी ओके निकली, मैं आईडी कार्ड लेकर गया था अपना, और मेरा भाई मैटर नहीं हुआ था सिम का नाम, पता नहीं वो उनकी मशीन का क्या इशू था। अभी ये आप देखिए, अभी आपको आ रही है ना दो सर्विस आ रही हैं, एक आ रही है जोम और एक आ रही है ट्रेडिंग, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप आपको ये केक शेक देते हैं, मामा के बंदे लेकर आते हैं, हवा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मदद साहब चले गए हैं शादी पे, शादी पे जाना था, अब हम चलते हैं केक लेते हैं, केक लेके केक कैनी केक देख के बैठे लेकर आते हैं, और गर्मी भी बड़ी और माशाल्लाह हवा। आगे घर सारे काम शाम कर कुट के नाउ लेट्स ट्राई दिस बर्गर, बेबी ने तो अपना बर्गर खा लिया, अब हम खाते हैं। अब खा रहे मिलते लो जी, बर्गर शर्गर खाने के बाद अब बेबी को लेके जाते हैं किधर, पहले जाएंगे आप ही के बच्चों का हालचाल पूछेंगे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और आज उनके स्कूल का पहला दिन था क्योंकि उन्होंने स्कूल शिफ्ट की है, फिर जाएंगे मामा को रेम्बो लेकर, उन्हें कोई ग्रॉसरी करनी है, ठीक है, और फिर उसके बाद जाएंगे गाड़ी जाएंगी और किधर जाएंगे, क्या पूरे दिन फिरते रहने? बाकी मौसम चेक करो भाई मौसम, ये आपका भाई कच्छा पहन के 24 घंटे पुंडी करता हुआ फरार है टांगों में अपनी, वाह मैंने क्या जुगत मारी है, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। जी आपकी की तरफ आ गई, ठीक है। ओए ये कौन है भाई, ये कौन है भाई, क्या हो गया ये कौन है भाई, कहीं आप देखे देखे लग रहे हो,
चांद कुछ छोटी ट्रॉली लिए कि सामान कम मिल जाए, ये सामान थोड़ा डल गया ना तो मेरा काम तमाम है। गलती भी तो इंसान की, छोटी टोकरी लेने का भी फायदा कोई नहीं, भरती इतनी जल्दी। और जी उठाते हुए ना अरे तो चलते हैं, कोई भारी चीज़ उठाइए, देखो कितनी जल्दी फ्री होते हैं यहाँ से। एक चीज ऐसे वो तो मिली नहीं, ले के ये जाओ जी आगे माशाल्लाह से घर। ये देखो लेने से एक चीज ये थे वो भी इसम गोल वो मिला नहीं, ठीक है तो सब्जी लेकर आ गई सुथरा जरा मैं ना समझ लो तुसी गई पांच से ज्यादा बनते कहीं नहीं गया। चलो अभी घर आइए खाना शाना खाते हैं, खाना खा के फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं, फिर सो जाते हैं ठीक है। ये भाई नींद बहुत सख्त आ रही है। The next day. तो जी आपका भाई नींद का मारा सुस्त का मारा सो गया था ठीक है, अभी बस सो के उठे और ऑलमोस्ट पता क्या टाइम हो गया जी 12:30 ठीक है। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद आप सबको अच्छा लगा होगा, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और जो करना कर लो ठीक है ना। यही जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, अभी 949 हुए ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर में आप जो कहोगे आपका भाई वो करेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने जुमान में रखे, अमीन सामी भाई के लिए खुशी दुआ करनी है। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।